हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, आज हम चर्चा करेंगे पोस्ट ऑफिस की कुछ महत्वपूर्ण स्कीम्स पर। पोस्ट ऑफिस में कई तरह की जमा योजनाएं चलती हैं, इन योजनाओं में अच्छा ब्याज भी मिलता है। इन्हें हम छोटी बचत स्कीम भी कहते हैं। इन स्कीम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इन पर सरकार का हाथ है। इन योजनाओं में अच्छा ब्याज मिलता है और भारत सरकार इस जमा की गई रकम की गारंटी लेती है। यह गारंटी बैंक में जमा पैसे पर नहीं मिलती है, तो आप बेफिक्र होकर 100% सुरक्षित निवेश इसमें कर सकते हैं। इनमें से कुछ स्कीम में सेक्शन 80C के तहत आपको टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है। आज हम पोस्ट ऑफिस की जिन जमा योजनाओं के बारे में बताएंगे वो है पोस्ट ऑफिस की RD अकाउंट, पोस्ट ऑफिस MIS अकाउंट, पोस्ट ऑफिस में एक है टाइम डिपॉजिट अकाउंट, एक है पोस्ट ऑफिस KVP यानी किसान विकास पत्र, और पोस्ट ऑफिस NSC यानी नेशनल सेविंग स्कीम जैसी स्कीम। तो आइए जानते हैं इन स्कीम्स के बारे में एक एक करके। तो व्यूअर्स, वीडियो पूरा देखिए, यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें। तो आइए जानते हैं एक एक करके इन स्कीम्स के बारे में। तो पहली स्कीम है पोस्ट ऑफिस की व्यूअर्स RD अकाउंट। RD मीन्स रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसे हिंदी में हम कहते हैं आवर्ती जमा खाता। यह अकाउंट 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस में ओपन किया जाता है। इस अकाउंट के तहत एक निश्चित राशि पोस्ट ऑफिस में जमा करनी होती है। यह अकाउंट उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके एक काफी अच्छा अमाउंट जमा करना चाहते हैं। इस अकाउंट को मिनिमम 10 रुपए से ओपन किया जा सकता है और अधिकतम की ऐसी कोई सीमा नहीं है। आप कितना भी अमाउंट जमा करके इस अकाउंट को खोल सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप इसको 10 रुपए से भी ओपन करा सकते हैं। जो भी अमाउंट इस योजना में आप जमा करते हैं उस पर आपको 7.2% वार्षिक दर से आपको ब्याज मिलेगा। यह जो ब्याज दर है हर 3 महीने बाद बदलती है। तो अभी अक्टूबर माह से लेकर दिसंबर 2019 में जो अभी इस पर जो ब्याज दर है वो है 7.2% वार्षिक। इस अकाउंट को आप पोस्ट ऑफिस में 5 साल के लिए ओपन कर सकते हैं। RD अकाउंट को पोस्ट ऑफिस में आप सिंगली ओपन कर सकते हैं या ज्वाइंटली ओपन करना चाहें तो ज्वाइंटली भी आप ओपन करा सकते हैं। कोई भी 2 लोग मिलकर भी इस अकाउंट को खोल सकते हैं। इस अकाउंट में आपको नॉमिनेशन की भी सुविधा है, यानी किसी भी अपने को आप इसमें नॉमिनी बना सकते हैं। एक सुविधा और है व्यूअर्स, अगर आपका ट्रांसफर एक शहर से दूसरे शहर में हो जाता है तो आप अपने अकाउंट को ट्रांसफर भी करा सकते हैं। यानी आपका यह अकाउंट एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर भी कराया जा सकता है। अगर आप किसी माह पैसा जमा करने से पोस्ट ऑफिस में चूक जाते हैं तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उस अमाउंट को थोड़ी सी पेनल्टी के साथ इसमें जमा कर सकते हैं। यानी आप 5 रुपए पर 5 पैसे पेनल्टी से उस अमाउंट को जमा करा सकते हैं। व्यूअर्स, इस अकाउंट में आपको एक सुविधा और है कि अगर आपको बीच में पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो 1 साल बाद जो भी आपने निवेश किया है उसका 50% अमाउंट निकाल सकते हैं। व्यूअर्स, पोस्ट ऑफिस में आप RD अकाउंट को एक से ज्यादा बार भी ओपन करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक RD अकाउंट ओपन कर लिया तो आप अगले और RD अकाउंट ओपन नहीं करा सकते। आप एक से ज्यादा भी RD अकाउंट को पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। अब हम यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि कितना पैसा मिलेगा अकाउंट पूरा होने पर। तो व्यूअर्स, इस RD अकाउंट को अगर 1,000 रुपए महीने से शुरू किया जाए तो 5 साल बाद आपको 7.2% वार्षिक से मेच्योरिटी के बाद आपको 5 साल बाद 72,500 रुपए मिलेंगे। तो व्यूअर्स, पोस्ट ऑफिस की काफी अच्छी स्कीम है उन लोगों के लिए जो थोड़ा थोड़ा जमा करके काफी अच्छा अमाउंट इकट्ठा करना चाह रहे हैं। व्यूअर्स, अब हम जानते हैं पोस्ट ऑफिस की अगली स्कीम, वो है MIS स्कीम के बारे में। MIS मतलब मंथली इनकम स्कीम्स के बारे में। तो जानते हैं इस स्कीम के बारे में हम विस्तार से। तो व्यूअर्स, MIS को हम डाकघर मासिक योजना के नाम से भी जानते हैं।
इसके माध्यम से कोई भी भारतीय नागरिक एक मुश्त रकम जमा करके उसके बदले हर माह एक निश्चित ब्याज की राशि उठा सकता है। इस योजना से आपको हर महीने एक निश्चित आय होती रहती है और उसका पूरा का पूरा पैसा सुरक्षित बना रहता है, जो कि योजना के अंत में जमा करने वाले को मिल जाता है। तो यह योजना एक बहुत विश्वसनीय योजना है, इसमें बिना जोखिम के निश्चित आय होती है। इस स्कीम में सिंगल नाम से अधिकतम 4.5 लाख रुपए और ज्वाइंट नाम से अधिकतम 9 लाख रुपए तक जमा हो सकते हैं। इस स्कीम में 1 अक्टूबर 2019 से 7.6% का ब्याज मिल रहा है। व्यूअर्स, अब बात आती है कि कौन खुलवा सकता है इस MIS अकाउंट को। तो पोस्ट ऑफिस में कोई भी भारतीय इस MIS अकाउंट को खुलवा सकता है। इस अकाउंट को अकेले खुलवा सकते हैं या जॉइंटली भी इस अकाउंट को खुलवाया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस में MIS अकाउंट को खुलवाने के लिए उतने ही कागजात की जरूरत पड़ती है जितने बैंक के खाता खुलवाने के लिए पड़ती है। पोस्ट ऑफिस MIS अकाउंट में नॉमिनेशन की भी सुविधा है, यानी आप किसी भी अपने को इसमें नॉमिनेशन बना सकते हैं। इसमें किसी को भी नॉमिनेट आप खाता खुलवाने के बाद भी बनवा सकते हैं। व्यूअर्स, इसमें भी RD अकाउंट की तरह MIS अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर करवाया जा सकता है। MIS अकाउंट को 5 साल के लिए खुलवाया जाता है। पहले ये अकाउंट 6 साल के लिए खुलता था, लेकिन 1 दिसंबर 2011 से इसे 5 साल का कर दिया गया है। अब हम इसको 5 साल के लिए ओपन करवा सकते हैं। व्यूअर्स, MIS अकाउंट को अगर आप 5 साल नहीं चलाना चाहते हैं तो 5 साल के पहले भी आप इसको बंद करवा सकते हैं। अगर अकाउंट खुलने से लेकर 3 साल के अंदर इसे बंद कराया जाता है तो जमा का 2% काट कर पैसा वापस आपको दे दिया जाएगा। वहीं 3 साल के बाद पोस्ट ऑफिस MIS अकाउंट को बंद कराने पर केवल 1% पैसा काट के आपको बाकी की रकम लौटा दी जाएगी। व्यूअर्स, इसमें अब हम आपको बताते हैं कि कितना पैसा जमा करने पर आपको कितना अमाउंट पर मंथ मिलेगा। तो अगर आप सिंगली इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो जैसा अभी हमने बताया था कि सिंगल अकाउंट ओपन करने पर आप इसमें मैक्सिमम 4.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें एक मुश्त राशि 4.5 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको पर मंथ 2850 रुपए इसमें 5 साल तक मिलेगा। यानी अगर हम टोटल इसमें इंटरेस्ट देखें तो करीब 1,71,000 रुपए इसमें आपको इंटरेस्ट के रूप में मिलेंगे। अगर इसको हम प्रिंसिपल के साथ जोड़ें तो करीब इसमें आपका टोटल अमाउंट बनता है 6,21,000 रुपए। इसी तरह से अगर आप संयुक्त रूप से इस अकाउंट को ओपन कराते हैं तो आप इसके अंदर 9 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। और अगर आप इसमें एक मुश्त राशि 9 लाख रुपए जमा करते हैं तब आपको 7.6% एनुअली इंटरेस्ट के हिसाब से आपको 5,700 रुपए पर मंथ इसमें मिलेगा। यानी अगर टोटल इंटरेस्ट इसमें देखें तो टोटल इंटरेस्ट आपके पास 5 साल बाद आपके पास आ जाएगा 3,42,000 रुपए। और इसको अगर हम प्रिंसिपल के साथ जोड़ें तो करीब आपको 12,42,000 रुपए आपका अमाउंट बन जाता है। तो व्यूअर्स, बहुत अच्छी स्कीम है। अगर किसी के पास काफी ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है तो इस MIS अकाउंट को खोलकर वो पर मंथ इसमें एक निश्चित राशि इंटरेस्ट के रूप में पा सकता है। व्यूअर्स, अगली स्कीम है TDS स्कीम। TDS मतलब टाइम डिपॉजिट स्कीम। तो जानते हैं इस स्कीम के बारे में भी हम विस्तार से। व्यूअर्स, जिसे हम बैंक में FD कहते हैं उसी को पोस्ट ऑफिस में हम TD अकाउंट कहते हैं। TD का फुल फॉर्म होता है टाइम डिपॉजिट अकाउंट। पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट अकाउंट में बैंक से ज्यादा ब्याज मिलता है। जहां SBI में अभी FD पर 6.8% तक ब्याज मिलता है, वहीं पर पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट अकाउंट में अधिकतम 7.7% तक ब्याज मिल रहा है। इसके अलावा अगर कोई 5 साल के लिए अपना पैसा इस स्कीम में जमा करता है तो उसे इनकम टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है। व्यूअर्स, यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि पोस्ट ऑफिस की जो टाइम डिपॉजिट अकाउंट की जो ब्याज दरें हैं वो समय के हिसाब से फिक्स की गई हैं। अगर आप 1 साल के लिए टाइम डिपॉजिट स्कीम में पैसा जमा करते हैं तब यहां आपको 6.9% का ब्याज मिलेगा।
अगर आप इसको दो साल के लिए करवाते हैं तब भी यहां पर 6.9 का रहेगा, तीन साल के लिए भी 6.9 का रहता है। लेकिन अगर आप टाइम डिपॉजिट अकाउंट में 5 साल के लिए पैसा जमा करते हैं तब यहां आपको 7.70% का ब्याज मिलता है। ब्याज की दरें सरकार वित्त वर्ष की हर तिमाही की शुरुआत में तय करती है। तो अभी 1 अक्टूबर 2019 की तिमाही के अनुसार ब्याज दर अगर 1 से 3 साल के लिए करवाते हैं तो 6.9% है, और अगर आप 5 साल के लिए करवाते हैं तो 7.7 का ब्याज तय किया है। अगर इसमें आप निवेश करते हैं तो जिस ब्याज अवधि में आपने टाइम डिपॉजिट के अंदर पैसा जमा किया है अकाउंट के अवधि तक के लिए वो ब्याज फिक्स हो जाती है। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट के अंदर हम न्यूनतम 200 रुपए से इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, और यहां पर हम बता दें कि अधिकतम की ऐसी कोई सीमा नहीं है, आप कितने भी रुपए जमा करके इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। व्यूअर्स, बाकी अकाउंटों की तरह इसमें भी वही सारे नियम फॉलो होते हैं, जैसे कि आप इस अकाउंट को सिंगल ओपन करा सकते हैं या ज्वाइंटली ओपन करा सकते हैं, एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में आप अपने अकाउंट को ट्रांसफर करा सकते हैं, इसमें नॉमिनेशन की भी सुविधा है, किसी भी अपने को आप इसमें नॉमिनी बना सकते हैं इत्यादि। व्यूअर्स, अब सवाल आता है कि क्या हम पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट अकाउंट को एक से ज्यादा बार ओपन करा सकते हैं क्या? तो यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि पोस्ट ऑफिस के अंदर आप एक से ज्यादा टाइम डिपॉजिट अकाउंट को खुलवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में CBS वाली शाखाओं में पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट का पैसा कहीं से भी निकाला भी जा सकता है। अगर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट पूरा होने के बाद लोग इसमें से पैसा नहीं निकालते हैं तो यह अकाउंट अपने आप रिन्यू हो जाती है, यह उतने ही समय के लिए रिन्यू हो जाती है जितने समय के लिए आपने पहले इसको ओपन करवाया था। तो व्यूअर्स, अब हम यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि कितना पैसा अगर आप TD अकाउंट में जमा करें तो कितना आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आप 1 लाख रुपए इसमें जमा करते हैं तो 6.9 के अकॉर्डिंग आपको 1 साल बाद इसमें 7,081 रुपए टोटल इंटरेस्ट मिलेगा, यानी अगर इसको प्रिंसिपल के साथ जोड़ें तो 1,07,081 रुपए आपको 1 साल बाद मिलेगा। इसी तरह से अगर आप 1 लाख रुपए 2 साल के लिए जमा करते हैं तब आपको यहां पर टोटल इंटरेस्ट 14,162 रुपए मिलेंगे, और प्रिंसिपल के साथ 1,14,162 रुपए हो जाएंगे। इसी तरह से 3 साल के लिए अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपका टोटल इंटरेस्ट इसमें मिलेगा 6.9% के अनुसार 21,243 रुपए, और टोटल अमाउंट आपका हो जाएगा प्रिंसिपल के साथ 1,21,243 रुपए। इसी तरह से अगर 1 लाख रुपए 5 साल के लिए इसमें आप डालते हैं तब यहां पर आपका टोटल इंटरेस्ट बनेगा 7.7% के इंटरेस्ट से 39,625 रुपए, और इस तरह से प्रिंसिपल के साथ ये अमाउंट बन जाएगा 1,39,625 रुपए। तो व्यूअर्स, बहुत अच्छी स्कीम है। अगर आपके पास लमसम पैसा पड़ा हुआ है और आप उसको निवेश करना चाहते हैं तो बैंक से ज्यादा ब्याज पाने के लिए सबसे अच्छी स्कीम टाइम डिपॉजिट अकाउंट है। व्यूअर्स, अगली स्कीम है KVP स्कीम। KVP मतलब किसान विकास पत्र स्कीम। तो क्या होती है ये किसान विकास पत्र स्कीम, आइए जानते हैं इसको हम विस्तार से। किसान विकास पत्र पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं में से एक योजना है। इस बचत योजना में अच्छी ब्याज दर के साथ निवेश की सुरक्षा की गारंटी भी मिलती है। इस बचत योजना में निवेश करके अच्छा इंटरेस्ट प्राप्त किया जा सकता है। इसमें इस वक्त 7.6% ब्याज जो कि अक्टूबर से दिसंबर 2019 में मिल रहा है। इस ब्याज दर से निवेश किया गया पैसा लगभग 113 माह में दोगुना हो जाता है। पोस्ट ऑफिस की इस बचत योजना को KVP के नाम से भी जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है किसान विकास पत्र। यह एक प्रकार से भारत सरकार का बॉन्ड है। यह आपको निवेश प्रमाण पत्र के रूप में जारी होता है। इस वक्त KVP 1,000 रुपए और इसके गुणांक में इसे पोस्ट ऑफिस से खरीदा जा सकता है। इसके अलावा 1 अप्रैल 2016 से किसान विकास पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी मिलना शुरू हो गए हैं, यानी आप इन्हें ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इसके पहले ये सिर्फ
छपे हुए प्रमाण पत्र के रूप में मिलते थे। किसान विकास पत्र के माध्यम से जमा की गई रकम पर सरकार फिलहाल 7.6% सालाना की दर से ब्याज दे रही है। इस ब्याज दर के हिसाब से किसान विकास पत्र में जमा पैसा लगभग 113 माह में दोगुना हो जाता है। किसान विकास पत्र में न्यूनतम 1,000 रुपए जमा किया जा सकता है। अधिकतम रकम जमा करने की ऐसी कोई सीमा नहीं है, लोग जितना भी चाहे इसमें रकम जमा कर सकते हैं। कोई भी वयस्क व्यक्ति अपने नाम पर या नाबालिग बच्चे के नाम से इसे खरीद सकता है। कोई भी दो व्यक्ति मिलकर भी इस किसान विकास पत्र को संयुक्त रूप से या कहें कि ज्वाइंटली खरीद सकते हैं। इसमें भी आपको नॉमिनेशन की सुविधा मिलती है। किसी भी अपने को आप यहां पर नॉमिनी बना सकते हैं। नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जिसे खाता धारक के ना रहने की स्थिति में किसान विकास पत्र में जमा पैसा मिल जाता है। अगर जरूरत पड़ने पर किसान विकास पत्र को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर भी कराना हो तो वो भी इसमें करा सकते हैं। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर एक आवेदन देना होगा, तो आप अपने किसान विकास पत्र को किसी दूसरे के नाम पर भी ट्रांसफर करा सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि हमने पिछले कुछ अकाउंट में बताया था कि जरूरत पड़ने पर अगर आपका एड्रेस चेंज हो जाता है तब आप किसान विकास पत्र को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर करवा सकते हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर आप किसान विकास पत्र को मैच्योरिटी के पहले भी कैश करा सकते हैं, लेकिन ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब आपके किसान विकास पत्र का 2.5 साल पूरा हो चुका हो तब। तो ये थी किसान विकास पत्र से संबंधित कुछ जानकारी। लेकिन व्यूअर्स, यहां हम आपको इसको खरीदते वक्त की कुछ सावधानियां बताना चाहेंगे। किसान विकास पत्र वैसे तो आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी वर्ग मूल्य के ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा पैसे इसमें जमा करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि छोटे छोटे वर्ग मूल्य के यानी डिनोमिनेशंस के किसान विकास पत्र खरीदें। ऐसा करने से अगर कभी इन्हें समय से पहले कैश कराना पड़े तो एक एक करके किसान विकास पत्र कैश करा सकते हैं। आपको एकदम से इकट्ठा इन्वेस्टमेंट खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े अमाउंट के किसान विकास पत्र की जगह छोटे छोटे अमाउंट के किसान विकास पत्र खरीदें। तो अब हम जानते हैं पोस्ट ऑफिस की एक और स्कीम के बारे में, वो है NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय बचत पत्र। यह आपको बेहतर ब्याज दर और टैक्स छूट में लाभ देती है। इसे कोई भी खरीद सकता है, जैसे कोई भी नौकरीशुदा पर्सन इसको खरीद सकता है, कोई भी बिजनेसमैन खरीद सकता है, किसान खरीद सकता है या कोई भी अन्य इस स्कीम को खरीद सकता है। NSE को आप पोस्ट ऑफिस से 100 रुपए के, 500 रुपए के, 1,000 रुपए के, 5,000 रुपए के या 10,000 रुपए मूल्य के सर्टिफिकेट के रूप में आप इन्हें खरीद सकते हो। इनकी अवधि 5 साल के लिए होती है। 5 साल बाद इन सर्टिफिकेट को आप पोस्ट ऑफिस में जाके कैश करा सकते हो। 5 साल बाद इसमें आपको ब्याज सहित पूरी रकम मिल जाती है। ब्याज सहित कितनी रकम आपको मिलेगी यह NSE खरीदते वक्त ही आपको पता चल जाती है। अब ज्यादातर पोस्ट ऑफिस में कोर बैंकिंग सर्विस शुरू हो जाने के कारण इनको कहीं पर भी खरीदने और कहीं पर भी इन्हें भुनाने की सुविधा हो गई है। NSE में आपको FD से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। अभी 2019 वर्ष के लिए NSE पर मिलने वाला इंटरेस्ट 7.9% एनुअली है, यानी 7.9% का ब्याज NSE पर मिलता है, जो कि काफी बेहतर है। NSE के रूप में इन्वेस्ट की गई धनराशि पर सरकार सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट देती है, लेकिन यह छूट एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक के NSE पर ही मिल सकती है। NSE में भी नॉमिनी बनाने की सुविधा है, यानी कोई भी अनहोनी होने पर यह पैसा आपके उस नॉमिनी को मिल जाता है। इसके अलावा अपने NSE देश के किसी भी पोस्ट ऑफिस से खरीदें, उन्हें किसी भी अन्य डाकघर में ट्रांसफर करा सकते हैं और मैच्योर होने पर वहां इसे कैश भी करा सकते हैं। अगर आपकी NSE खो गई है या कोई क्षतिग्रस्त हो गई है तब आप पोस्ट ऑफिस में अपना पहचान पत्र दिखाकर डुप्लीकेट NSE भी बनवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में आप NSE को कैश से खरीद सकते हैं या चेक या डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा भी इसको खरीद सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में आप NSE को
सिंगल रूप से खरीद सकते हैं या ज्वाइंट रूप से भी आप इसे खरीद सकते हैं। कोई सोसाइटी या कंपनी एनएससी को नहीं खरीद सकती। व्यूअर्स, एनएससी को आप मैच्योरिटी से पहले भी कैश करा सकते हैं। एनएससी को अगर मैच्योरिटी से पहले कैश कराना चाहते हैं, अगर आपको पैसे की जरूरत है, तो आप दो कंडीशन में यहां पर इसको कैश करा सकते हैं। या तो आपकी एनएससी की अवधि 3 साल की पूरी हो गई हो, या एनएससी धारक की डेथ हो जाने पर इस एनएससी को आप कैश करा सकते हैं। डेथ होने की स्थिति में ये कैश का भुगतान उसके नॉमिनी को मिलेगा। इसमें लोन की भी सुविधा है। व्यूअर्स, अगर आपको इमरजेंसी पर एनएससी से कोई लोन लेना चाहे, तो आप एनएससी को सिक्योरिटी के रूप में रखकर आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। अब व्यूअर, यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि कितने रुपए के एनएससी खरीदने पर आपको 5 साल बाद कितना रिटर्न मिलेगा। तो अगर आप 1,000 रुपए के एनएससी पत्र खरीदते हैं, तब 5 साल बाद आपको इंटरेस्ट सहित 14,625 रुपए मिलेंगे। इसी तरह से अगर आप 5,000 रुपए के एनएससी पत्र खरीदते हैं, तब आपको 5 साल बाद ब्याज सहित 7,313 रुपए मिलेंगे, जो कि 7.9% के इंटरेस्ट से बनते हैं। अगर आप 10,000 रुपए के एनएससी पत्र खरीदते हैं, तब आपको 7.9% से 5 साल बाद 14,625 रुपए मिलेंगे। और अगर आप 1,00,000 रुपए के एनएससी पत्र खरीदते हैं, तब आपको 5 साल बाद ब्याज सहित मिलेगा 1,46,250 रुपए। तो व्यूअर्स, अगर आपके पास पैसा है तो एनएससी पत्र खरीदना बहुत ही अच्छा समझदारी वाला स्टेप होगा। व्यूअर्स, अभी तक हमने जितनी भी स्कीम्स बताई हैं, इन सभी स्कीम्स को आप एक एक करके, हमने इनके सभी वीडियो बना रखे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डिटेल में है। अगर इन स्कीम्स के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में आप देखना चाहते हैं, तो इनकी लिंक हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप सभी स्कीम्स को डिटेल में एक एक करके देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है ये सारी स्कीम आपको पसंद जरूर आई होंगी। इसी तरह की और भी स्कीम्स हम आगे आपके लिए लाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नई वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।